मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 45 जिलों को अनलॉक करने के लिए बनाई नई गाइडलाइन। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तो स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में अनलॉक के विषय में क्या है पूरी जानकारी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में MP अनलॉक पर मंत्री समूह की बैठक संपन्न। इनको खोलने पर बनी सहमति। ये रहेंगी सेवाएं। दोस्तों आपको बता दें 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंत्रियों की बैठक ली गई। इस बैठक में 1 जून से प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक करने के लिए मंत्री समूह के बीच बैठक में चर्चा की गई है, जहां 50% सरकारी कार्यक्रम में कर्मचारियों की उपस्थिति पर सहमति बनी है। बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राजनीतिक और धार्मिक गैर पाबंदियां रहेंगी और एक समय में पुजारी की अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मॉल टॉकीज बंद रहेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने का पर सहमति बनी है। हवाई यात्राएं शुरू रहेंगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय खुलेंगे। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 संख्या रहेगी। मृत्यु भोज में 20 की संख्या रहेगी। दाह संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। राज्यों की बॉर्डर पर सख्ती रहेगी। आर्थिक गतिविधियां चालू रहेंगी। कोविड नियंत्रण के लिए प्रति जन जागरूकता को लेकर मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री समूह की बैठक शुरू हुई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले कल प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमने तय किया है कि 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खुलेंगे। अभी पूरी सावधानियों से गतिविधियों का संचालन आवश्यक है। भीड़, मेले, ठेलों आयोजनों के से अभी बचना होगा। यदि हमने यह नहीं किया तो संक्रमण को बढ़ने में देर नहीं लगेगी और हम पुनः संकट में फंस जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। कौन सी गतिविधियां कब प्रारंभ होगी, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, यह ग्राम, वार्ड, ब्लॉक, नगर और जिला स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां तय करेंगी। जो पूरे जिले की पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा वहां की गतिविधियां अलग होंगी। जहां संक्रमण फैला है वहां क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग से विचार करेगी। अलग अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। यह भी स्थानीय स्तर पर ही तय होगा। आगामी रणनीति के बारे में 1 जून से पहले निर्णय लेना आवश्यक है। उसके लिए 1-2 दिन में ही चर्चा कर पूरी सावधानियां बरतने हुए निर्णय लिया जाएगा। अनलॉक का जो वैज्ञानिक तरीका है उससे समितियों को अवगत कराया जाएगा।